क्या भैया फिर से गलत, इसको बाहर की तरफ लगाना है और अंदर मुझे बलून बंचेस चाहिए डेकोरेटेड। जल्दी कीजिए। संभल कर कांच ना लग जाए। कितने सारे ग्लासेस टूट गए वेदांत। ओह नो, ग्लास। अब तो अपशगुन होगा राइट? कहीं मेहमानों के आने से पहले तुम्हारी सारी डेकोरेशन नीचे आ गई तो, कहीं गेम शुरू होने से पहले तुम्हारे चिट्स खो गए तो। डरे हुए को और डरा रहे हो आप। वेरी बैड। अरे मजाक था बाबा। पूर्वा क्या हुआ? आई लव यू पूर्वा। क्या? सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई होप सब कुछ अच्छा ही हो। हमें एक इलेक्ट्रीशियन को हॉल के अंदर पहुंचाना। उसे जैसा कहेंगे वैसा ही करेगा। सिर्फ हॉल में सही जगह पहुंचाना ये तेरा काम। सुनो, जैसे ही मैं इशारा करूं चुपचाप अंदर चले आना। और हाँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझे? पूर्वा तुम यहाँ हो? अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखो मेरे लायक कुछ काम हो तो प्लीज डोंट माइंड, आई एम ऑलवेज देयर। अरे ये क्या, तुम भी? दी, ये काम करवाएंगी नहीं, ये काम बिगाड़ेंगी। पंखुड़ी तो चुप। बुआ लाइए, मैं कर देती हूँ। पंखुड़ी तू जा, जाके साउंड सिस्टम चेक कर। जा, हाँ, जा। मैम आपको वेदांत सर बुला रहे हैं। जैसे तैसे मैं पता तो लगा ही लूंगी बुआ। ये दीजिए। पूर्वा, हमारे बाबूजी के लिए तुम इतना कुछ कर रही हो, तुम्हें नहीं मालूम मैं आज कितनी खुश हूँ। भगवान ऐसी बहू हर किसी को दे, मन करता है तुम्हें गले लगा लूं। आज अगर बाबूजी जिंदा होते ना तो वेदांत की बहू को देखकर कितना खुश होते। मैं जरा जी। अरे पूर्वा यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? दादी बस एक मिनट दीजिए। पूर्वा भाभी हॉस्पिटल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, भाभी को वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक लगने वाला है। अरे वाह, इतनी सुंदर डेकोरेशन। बहुत अच्छी है ना वेदांत? दादी अब तो सारा परिवार आ गया है, चलिए केक काट लेते हैं। हुआ काम क्या? पूर्वा नाम की चिड़िया कैसे फड़फड़ाएगी ना, बस देखते चलिए। दादी ये है मिस्टर शिशिर द्विवेदी, इनकी एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। और एक बात बताऊं, इनकी वाइफ की डिलीवरी भी यहीं पे हुई थी। प्रणाम दादी। खुश रहो। केक खा।
वेदांत, ये लाइट को क्या हो रहा है, जरा देखो तो। आप रहने दीजिए वेदांत, अरेंजमेंट्स मैंने की है तो मैं देख के आती हूँ। तुमने अपने दी को बताया जो मैंने तुमसे कहा था? देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ बुरा हो पंकज। ओ, तो इसलिए लाइट फ्लिकर हो रही है। कुछ नहीं, वेदांत दिया जला लीजिए। हाँ दादी, दिया जलाएं। हाँ। एक मिनट, गंगाधर त्रिपाठी का असली पोता संजू, वो दिया जलाएगा। संजू, वेदांत आप दोनों चलिए, जब पोते दो हैं तो दिए भी तो दो हो सकते हैं, इसलिए मैंने दो दिए रखे हैं। चले संजू। हेलो एवरीवन एंड थैंक यू सो मच कि आज आप सब यहाँ हमारे दादाजी की यादें हमारे साथ शेयर करने आए हैं, और अब हम सब मिलके एक गेम खेलने वाले हैं, और गेम है पासिंग द पार्सल, पर एक नए अंदाज। तो मैं वहाँ पे जाके म्यूजिक प्ले करूँगी और आप सब एक सर्कल में ये बॉल पास करते रहे, और जहाँ भी म्यूजिक रुका जिसके हाथ में ये बॉल होगा वो यहाँ से एक चिट उठाएगा, और चिट में जो भी टास्क लिखा होगा वो उन्हें करना होगा। ओके, तो अब गेम शुरू करें। पार्टी गाना गाना है, बहुत ही आसान। तेरे ना दिए तुम्मा पै गई है, तू चंडीगढ़ आई नी, चंडीगढ़ तो आई नी, ठोडी ते काला तिल कुड़ी, ठोडी ते काला तिल कुड़ी, जो दाग चंजे मुखड़े ते तेनु काला चश्मा जचदा जचदा गोरी मुखड़े ते। डांस पर मैं डांस अकेले नहीं करूंगा, मेरे साथ कोई और भी करेगा। पंखुड़ी? नहीं संजू, मेरा मन नहीं है, तुम कर लो। कर ले पंखुड़ी।
पकड़ी गई बुआ। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। किया नहीं, करना पड़ेगा। अपना कोई गहरा राज बताएं। तो बताइए बुआ, अपना कोई गहरा राज। राज राज तो बहुत गहरा है, जरूर बताऊंगी, पर उससे पहले मेरी एक शर्त है। हम इतने दिनों बाद सब इकट्ठे हुए हैं तो डांस वांस तो बनता है कि नहीं? उसके बाद मैं अपना राज जरूर खोलूंगी। इसमें होगा लाइव करंट, इसके ऊपर का वायर मैंने छील दिया है। आपको मौका देखकर ये तार हटानी है ताकि मैडम इस वायर को उसमें लगाए जिसमें होगा लाइव करंट। अब लगेगा महारानी को जोर का झटका, बहुत ही जोर से। गाना मेरी चॉइस का होगा, मंजूर है? मंजूर। अभी आई। पूर्वा, वो गाना है ना तुम्हारे पास, वो लगाओ। खुद सीरियस तो नहीं है ना? आप ठीक कर देंगे ना? चिंता करने की कोई बात नहीं पूर्वा, तुम प्लीज रिलैक्स करो। जल्दी से बेचारी पंखुड़ी ठीक हो जाए। पूर्वा को बचाने की खातिर हाँ, उसने अपनी जान को खतरे में डाल दी। हार्ट बीट तो एकदम नॉर्मल है, अब तक होश आ जाना चाहिए था पंखुड़ी को। तारे, स्पार्क, मुझे कुछ समझ नहीं आया वेदांग। अंकुरी, तुम्हें शॉक लगा था, तुम बिल्कुल ठीक। आपके दिल में जगह बनाने के लिए मुझे ये करना पड़ा वेदांत, दीको भी मुझ पर शक नहीं होगा। अरे तुम ठीक तो हो ना? अब कैसा फील हो रहा है? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है। शांति तो मेरे भरोसे छोड़कर गई थी ना तुझे। बेटा अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं उसे क्या जवाब देती? नानी मौसी, मैं एकदम ठीक हूँ। ठीक हूँ कि बच्ची, क्या जरूरत थी कूदने की? हाँ बेटा, तू कैसे एकदम से बीच में आ गई, जैसे तुझे पता था कि करंट लगने वाला है।
पता नहीं नानी मौसी, नंगी तारे थी और मुझे अचानक से कुछ महसूस हुआ, इसलिए मैंने बस पूर्वादी को धक्का दे दिया। कोई बात नहीं बलाटली, अब ना तू आराम कर। ऐसा लगता है पंखुरी को छुपा रही। इतनी छिपा के की थी प्लानिंग, आखिर ये उस पंखुरी को पता कैसे चला? भैया हो सकता है उसने अचानक देख लिया, पर प्लान तो सिर्फ हम दोनों के बीच में हुआ था ना भैया। कौन सा प्लान बुआ? हमारी बात के बीच में बोलेगा, कहां से आ गई इतनी हिम्मत गुदड़ी लाल? सही सवाल पूछने की हिम्मत है मुझे बाबूजी, लेकिन तेरे सवाल की इतनी हैसियत नहीं कि मैं उसका जवाब दूं। चलिए मुझे छोड़िए, इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में जवाब दे दीजिए। तू इल्जाम लगा रहा है मुझ पर? अभी तो सिर्फ पूछ रहा हूं बाबूजी। ये क्या हो गया, सब बर्बाद कर दिया तूने। लो अम्मा, आज पहली बार सही मौके पे आई हो। देखो ये आपका लाडला क्या कह रहा है, मेरे प्यारे भैया पे इल्जाम लगा रहा है कि हमने इसकी बीवी उसको इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश की। पिता, बेटा रमेश अक्सर बुरा बर्ताव करता है लेकिन इतनी घटिया हरकत नहीं करेगा। हाँ वो केवल एक हादसा था बस। ऐसा मुझे भी लगा, लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है वहाँ पे ना सिर्फ तारे छिली हुई बल्कि गलत तरीके से लगी भी हुई। मैंने हॉस्पिटल के इलेक्ट्रिशियन से बात की, उसका काम नहीं है। देख लो अम्मा, जिंदगी भर जिस घर ने इसे जगा दी आज वो घर इसके लिए कुछ नहीं, अपनी घरवाली का परिवार ज्यादा जरूरी हो गया। सवाल यहाँ पे सिर्फ सच जानने का है बाबूजी, और उसकी जांच शुरू हो चुकी है। तो शर्मिंदा होने के लिए तैयार हो जा गुदड़ी लाल, क्योंकि हम पे शक करके तूने बहुत बड़ी गलती की है। दी, मैं चलती हूँ। तुम आज यहीं पे आराम से सो जाओ पंखुरी। डॉक्टर वेदांत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चली जाती हूँ। अभी भी काफी कमजोरी है, प्लीज मेरी बात सुनो। पंखुरी, बड़ा कौन है? जैसे वेदांत कह रहे वैसे ही होगा, चलो सो जा। थैंक यू वेदांत। डिपॉजिट डन। टोटल कितना हो गया अब तक? यहाँ तक मुझे लग रहा है मुझे लखपति तो बना चुकी हो तुम। कहीं पूर्वादी को इनसे। चलिए गुड नाइट लखपति जी। गुड नाइट पूर्वा, टेक केयर पंखुरी। गुड नाइट। गुड नाइट। दी, डॉक्टर वेदांत कौन सी साइड सोते हैं? मैं उनकी जगह पे सो जाती हूँ। क्या मतलब? आप सो जाओ, आप हमेशा जहाँ सोते हो लेफ्ट साइड। हाँ, आप परेशान हो? वो मैं नहीं। क्यों? डॉक्टर वेदांत को मिस कर रही हो? बिल्कुल नहीं, मजाक है क्या? तो मतलब आप डॉक्टर वेदांत से प्यार नहीं करती? फिर से वही बात पंखू। हाँ बाबा, नहीं करती। अब बातें बंद, चुपचाप सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट दी। हमेशा उन दो लोगों को साथ होना चाहिए जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप नहीं करते, इसलिए दी बहुत जल्द मैं आपको आजाद कर दूंगी इस रिश्ते से। यही सबके लिए बेहतर होगा।